राहुल, समीर, रुको, कहाँ जा रहे हो? राहुल, समीर, रुक जाओ। तुम दोनों को आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ माँ, बीवी बच्चों सहित मंजूर है। बीवी बच्चों को पूछा आपने कि उन्हें मंजूर है कि नहीं? वो क्या है ना कि बच्चे अभी बहुत छोटी हैं, नहीं तो मैं यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि मैं माँ बापूजी को ठीक से नहीं जानती। शादी होते ही हम अलग से रहने लगे और अब इतने सालों बाद आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ एडजस्ट करूँ? क्या एडजस्ट करूँ? और फिर ये कोई आर्मी का कैंप थोड़ी ना। माँ और बापूजी तुमसे कितना प्यार करते हैं रीता। दूर हैं तभी तक प्यार करते हैं, साथ रहने लगे तो क्या पता। और वैसे भी असली बात ये नहीं है, ये मेरी भी जिंदगी है और इसका फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। आखिर किस किस्म के बेटे हो तुम दोनों? हाँ, कुछ दिन पहले तुम्हारे बापूजी को हार्ट अटैक आया था, कुछ भी हो सकता था। और तुम में से किसी ने बेटों का फर्ज तो दूर की बात है, इंसानियत का फर्ज भी नहीं निभाया। हर बात के लिए हमें ब्लेम करने की जरूरत नहीं है माँ। मैंने आपसे उस दिन भी कह दिया। उस दिन तुमने कहा था, मैंने सुन लिया था राहुल। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, एक शब्द भी नहीं। अरे वो इंसान कर क्या रहा है? अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो तुम जैसे नालायकों से प्यार करता है। मतलब माँ, हम क्या एक ही दिन में भूल जाए कि उन्होंने हमारे साथ क्या करा है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है समीर। आज के बाद अगर तुम लोगों में से किसी ने भी अपने बापूजी की बेइज्जती करने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग मेरे बेटे हो। पर माँ, हमें तुमसे कोई एक शब्द भी नहीं रहा, अब और नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। राहुल, तुम्हारा यही कहना है ना कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना है? अगर तुम्हारी यही सोच है तो मैं कहती हूं मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। नहीं है तुम्हारे लिए जगह। अब क्या देख रहे हैं? जाओ यहां से, जाओ, जाओ। देखो रीता, फैसला तो मैं कर चुका हूं, अब उसे मानना या ना मानना तुम पर है। अरे निरंजन, रीता, जल्दी आ जाओ बेटा पूजा के लिए। हाँ ओम पवित्र पवित्र सर्वस्थाम गतो अपिया स्मरेत पुंडरीकाचावं महावयंत्रः शुचिः। ओम हरिः ओम राधे कृष्णाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। कहते हैं कि घरौंदे में पक्षियों के बच्चे तब तक रहते हैं जब तक उनके पर न निकल आए। पर निकलते ही घरौंदे से उड़ जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। इला, मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था, शायद हमारे बाकी के बेटे हमारे साथ रहने कभी नहीं आएंगे। उन उड़ते हुए पक्षियों को हमें बस ये याद दिलाना है कि उनका असली घर यही घरौंदा है, जहां बहुत सारा प्यार है, सबका साथ है। फिर देखना ये घरौंदा कैसे पक्षियों की चहचहाट से गूंज उठेगा। इतनी रात को कौन है? अननोन नंबर। हेलो, क्या बोल रहा? क्या जी?
पुलिस स्टेशन से फोन था ना। राहुल ने अपने मकान मालिक से मारपीट की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई है। जिस मकान में मैं रहता हूँ उसका 2 महीने से किराया भी नहीं दिया। परेशान था बेचारा। परेशान था। तुम उसे कुछ छुपा रही हो? इला, हमारा बेटा पुलिस के लॉकअप में है। ये वक्त बातें छुपाने का नहीं है। बताओ ना क्या है। उसकी नौकरी 3 महीने पहले चली गई और कह रहा था कि 2 महीने से उसने मकान मालिक का किराया भी नहीं दिया। और बेचारा मकान मालिक रात को अपना किराया वसूल करने गया हो और कुंवर जी को रात को होश कहाँ होता है? सॉरी, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। राहुल ने मना किया होगा तुम्हें मुझे बताने के लिए। वो नहीं चाहता था कि आप उस पर दया करो या फिर उसे किसी भी प्रकार की मदद करो। खुददार होना अच्छी बात है, मगर जब इतनी प्रॉब्लम हो तो कम से कम अपने माता पिता को यह बात बतानी चाहिए। आजकल के बच्चे, अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाके उस नालायक की जमानत करवानी पड़ेगी और कुछ नहीं। यार तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अपने वकील प्रफुल्ल भाई से बात करता हूँ। प्रफुल्ल भाई, गोवर्धन बोल रहा हूँ। आप पहुंचिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, आज बाबूजी। हाँ, तो आप राहुल की जमानत कराने जा रहे हैं? हाँ। उस दिन राहुल ने शराब पीकर आपके साथ इतनी बदतमीजी की और आज एक आदमी के साथ शराब के नशे में मारपीट की। बापूजी, रहने दीजिए ना उसे एक रात जेल में, कम से कम उसे अपनी गलतियों का कुछ एहसास तो होना चाहिए। गलतियां तो तुमने भी बहुत की है निरंजन, हमने तुझे कभी सजा नहीं दी। सुबह राहुल ने आपकी जरा सी इंसल्ट क्या कर दी थी, अब इतने सीरियस मैटर में उस बात को बीच में ला रहे हैं। चलो बापूजी, रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्या हुआ? चलो अंदर। कैसे चलूं भाभी? आज सुबह जिस अकड़ के साथ मैंने इस घर में आने के लिए मना किया था, वो तुम्हारे माता पिता है राहुल। अगर वो इन बातों का हिसाब रखते तो तुम्हें छुड़ाने पुलिस स्टेशन नहीं आते। अब चलो। कमरे में जा रहा हूं। आप जाकर आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। माँ, भाभी, थैंक यू। आप लोग फटाफट आ गए ना, मुझे तो लगा था कि आज रात लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। राहुल, हम दोनों तो सिर्फ आए थे वहां
पर तुम्हें छुड़ाया बापूजी ने है। पता है कितने पैसे लगे हैं उनके? पैसे की बात नहीं है राहुल, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम बापूजी से जाके थैंक यू बोलो। लेकिन बेटा, दारू पी के इतना हंगामा करना अच्छी बात है क्या? मतलब माँ, अब तू मुझे लेक्चर देगी? मैं तो तेरा कान पकड़ के कान के नीचे दो बजा भी सकती हूँ। ठीक है माँ, ओके, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी कि मैंने नशे में उस कमीने पर हाथ उठाया जो रात के 12 बजे मेरा सामान घर से बाहर फेंक रहा था। मेरी गलती। चलो, मैं कहती हूँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या करोगे? रहोगे कहाँ? क्योंकि वो मकान, वो तो तुम्हारे हाथ से गया। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं अपने किसी दोस्त के साथ शिफ्ट हो जाऊँगा। मुंबई में ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो बिना पैसे लिए तुम्हें रखेगा, और कितने दिन रखेगा? अपना इतना बड़ा घर छोड़ के कहीं और रहने की जरूरत ही क्या है? क्या माँ का लेक्चर इतना बुरा लगता है तुझे? माँ, तू जानती है, बात ये नहीं, बापूजी ने एक एहसान कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुरानी सब बातें खत्म हो गई। और फिर मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिनों की है माँ, आज नहीं तो कल मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। और तब तक कम से कम नौकरी मिलने तक तो रुक जाओ। नालायक, हम तुझसे कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करवा रहे हैं कि तुझे इस घर में ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, या फिर जब तक हम कहेंगे तुझे इस घर में रहना ही पड़ेगा। राहुल, जिंदगी में कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें करने को हमारा मन बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन ऐसे में हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई होती है। ओके, लेकिन सिर्फ नौकरी मिलने तक। और आप प्लीज अब अपनी अम्मे माँ से ये दुआ मत करने लगना कि मुझे नौकरी ना मिले। करूंगी, जरूर करूंगी। तो मेरा बेटा कहाँ है? दुश्मन है मेरा। सही तो कह रही, दुश्मन ही तो हूं तेरा। तुझे इतना दुख तो देता हूं। सब कुछ जानता है तो क्यों जानबूझकर ऐसे काम करता रहा? जाके सो जा। राहुल, भूख लगी है तो मैं कुछ खाने को ले आऊं? नहीं भाभी, आई थिंक आई शुड स्लीप नाउ। गुड नाइट मां। भाभी, राहुल फिलहाल यही रहेगा, अब आप शांत हो जाइए और टेंशन में इधर उधर घूमना बंद कर दीजिए। ये फिलहाल से क्या मतलब है तुम्हारा? उसका कहना है उसकी नौकरी मिलने तक, लेकिन ये बात की बात है, मुझे पूरा यकीन है तब तक उसका मन बदल जाएगा। चलो मां, अंबे की अब तक कृपा रही है, आगे भी रही। मान कैसे गया? मेरे अकेले के कहने से शायद नहीं मानता, लेकिन रीता ने उसे जिस तरह समझाया ना, सच में रीता बहुत सुलझी हुई लड़की है। सच कह रही विला, जरा सोचो, रीता बहू है हमारी, हम उसे ठीक से जानते तक नहीं। एक दिन इस घर में साथ रहे तो पता चला, विला जिस तरह आज वो हमारे साथ खड़ी हुई, सच कहूं मुझे बहुत अच्छा लगा।
सच वो हमारे साथ खड़ी हुई मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने एक बात गौर की है क्या? निरंजन और रीता के बीच सब कुछ सही नहीं लगता। इसके पहले भी मैंने एक आध बार ध्यान दिया है और आज फिर। ये मेरी भी जिंदगी है और इसका फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। फैसला तो मैं कर चुका हूँ, अब उसे मानना या ना मानना तुम पर। सुबह राहुल ने आपकी जरा सी इंसल्ट क्या कर दी थी, आप इतने सीरियस मैटर में उस बात को बीच में ला रहे हैं। बापूजी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो अगर सच में उन दोनों के बीच कोई मसला या कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो बड़े दुख की बात है। देखिए ये पति पत्नी की आपस की बात है, हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस माँ अम्मे से प्रार्थना कर सकते हैं हमारा अंदाजा गलत हो और उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो। माँ और बापूजी के सामने मुझे नीचा दिखाना जरूरी था? मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि आपको उस वक्त राहुल से अपनी नाराजगी भूलकर माँ बापूजी का साथ देना चाहिए था। यार भाई मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा व्यवहार करूंगा उनके साथ। हाँ जैसा मन मारा व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं। छल कपट झूठ इसके अलावा कुछ आता है आपको? तुम्हें कोई डिफेक्ट है क्या? गोल 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 घूम के तुम उसी बात पे आ जाती हो बार बार। यार लाख बार समझा चुका हूँ तुम्हें मैं। डिफेक्ट मुझ में नहीं है, आप में होगा। और लाख बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। देखो रीता मुझे और गुस्सा मत दिलवाओ। आपको गुस्सा आ रहा है? आपको आपको तो शर्म आनी चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। नहीं करूंगी शट अप, नहीं करूंगी। क्या करेंगे आप? सो अकेले सो। प्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी मात्वम नमोस्तुते। हे तुलसी माँ तुम इस घर में खुश तो हो ना? तुम यहाँ आकर हरी भरी हो गई हो तो देखो मेरे परिवार के सूखे पेड़ पर भी थोड़ी बहुत ही सही मगर हरियाली छा रही है। बस तुम अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द हम दोनों के जीवन में हरियाली ही हरियाली आ जाएगी। अरे गुड मॉर्निंग। हेलो क्या हुआ मेरी एंजल्स को? मम्मी कह रही थी आप इस धूप में सो रहे हो और हमें बिलीव नहीं हुआ, ले दे मैं चले। अब देख लिया ना, चलो अब किसी दो। नहीं किसी बात में, पहले ये बताओ कि आप हमारे साथ रहोगे? हाँ बाबा मैं आपके साथ ही रहूँगा, चलो अब किसी दो। हमेशा एंड फॉरएवर। हाँ मेरी माताओं मैं आपके साथ ही रहूंगा हमेशा एंड फॉरएवर। अब तो किसी दे दो। कम ऑन रेडी 1 2 3 5।
माजी, गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह सुबह क्या कर रही हो किचन में? आज मैं जल्दी उठ गई तो सोचा सबके नाश्ता मैं ही बना लूं। सूजी का हलवा? सेठ जी तो सूजी का हलवा खाते नहीं है, और वो नहीं खाते इसलिए मैंने भी इतने सालों से खाना छोड़ दिया है। और तूने इतना सारा बना दिया, बनाने से पहले कम से कम पूछ ही लिया होता। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? सेठ जी तो सूजी का हलवा खाते नहीं है, और तूने इतना सारा बना दिया, बनाने से पहले कम से कम पूछ ही लिया होता। आज आखिर में सास बन ही गई।